हेलो किड्स, वेलकम टू किश स्टडी। आज हम सीखेंगे कहानी मुश्किल के समय में। मुश्किल के समय के लिए बचत करना ज़रूरी है। एक बार एक जंगल में एक कीड़ा रहता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। एक बार कीड़ा और चींटी एक ही पेड़ पर थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, बातचीत हुई और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। अब कभी भी जब दोनों मिलते एक दूसरे का अभिवादन करते, खूब बातें किया करते। गर्मियों के दिन थे। उन्हीं दिनों टीडा का दिन दोपहर में खाना खाकर पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था और गाना गुनगुना रहा था। उसी पेड़ के नीचे चींटी अपने अन्य साथियों के साथ भोजन इकट्ठा कर रही थी। अचानक टीडे की नज़र अपनी दोस्त चींटी पर पड़ी। उसने चींटी को रुकवाया और उससे बातचीत करने लगा। टीडा बोला, दोस्त तुम इतनी धूप में क्या कर रही हो? चींटी बोली, दोस्त बरसात के दिन नज़दीक हैं। उन दिनों खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, अतः हम बरसात के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। तुमने क्या अपना भोजन इकट्ठा कर लिया जो तुम इतने निश्चिंत हुए हो? टीडा बोला, नहीं दोस्त, मैं ऐसा नहीं करता। अभी तो मैं खाना खाकर आराम ही कर रहा था। तुम करो भोजन इकट्ठा, मैं गाना गाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। चींटी को उस पर गुस्सा आया, लेकिन वह बिन कुछ कहे अपने झुंड में वापस चली गई और भोजन इकट्ठा करने लगी। बरसात के दिन शुरू हो गए। शुरू में ही 4-5 दिन लगातार वर्षा हुई। टीडा 4 दिनों से भूखा था। बारिश के कारण उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता रहा। फिर उसे याद आया कि उसकी दोस्त चींटी ने खूब सारा भोजन इकट्ठा किया है, क्यों न उसके पास मदद के लिए जाया जाए। वह चींटी के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने दरवाज़ा खोला। जब टीडे ने अपना दुख चींटी को बताया, चींटी को उस पर गुस्सा आया और वह बोली, जब मैं मेहनत से भोजन इकट्ठा कर रही थी तो तुम आराम से सोकर गाना गा रहे थे। अब भुगतो, मुझे आलसी लोग पसंद नहीं हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। हमने निश्चित खाना इकट्ठा किया है, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। टीडा उदास होकर वहाँ से चल दिया, क्योंकि अब बचत और निवेश का समय निकल चुका था, तो उसके पास कोई रास्ता न बचा। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।